नमस्कार दोस्तों, तो क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत किए? तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपकी लॉटरी लग जाए और आप रातों रात अमीर इंसान बन जाए। अब देखिए, लॉटरी खरीद कर आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके लक पर। मगर आज मैं आपको एक ऐसी महिला की स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसे मात्र 250 रुपए के एक कागज के टुकड़े ने रातों रात करोड़पति बना दिया। इनसे मिली ये है राधा, जो कि केरल के मल्लपुरम जिले के परप्पनगड़ी कस्बे में रहती है। इनके साथ इनकी 11 महिलाओं की ग्रुप भी है, जो कि हर रोज अपना परिवार चलाने के लिए कूड़ा और कबाड़ बिनने का काम करती है। ये हर सुबह लोगों के घर से कूड़ा बटोरती है और बदले में 250 रुपए दिन का कमाती है। अब 250 रुपए दिन के एक फैमिली चलाने वाले इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, मगर कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये 11 महिलाओं की टीम अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा कर रखती है और हर रोज केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी की टिकट खरीदती थी। अब आपको एक बात बता दे, दरअसल देश में लॉटरी सिस्टम पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। कोई भी प्राइवेट संस्था लॉटरी सिस्टम नहीं चला सकती, इसको चलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही है। और इसी तरह केरल सरकार भी ऐसी ही एक लॉटरी सिस्टम चलाती है। अब राधा और उनकी 11 महिलाओं की टीम ने एक दिन केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही मॉनसून बम्पर लॉटरी को खरीदा और भाग्य का साथ इस बार राधा को बम्पर इनाम 10 करोड़ रुपए मिलता है, जिसमें से सरकार को टैक्स देने के बाद उनके पास 6 करोड़ 30 लाख रुपए बचते हैं, जिन्हें ये 11 महिला आपस में बांट लेती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।